सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में तालीमी इदारों के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की खिदमात पर भी 15% सूबाई सेल्स टैक्स आयद कर दिया, जिससे महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में गुजर बसर की बुनियादी खिदमात को भी शामिल कर लिया गया। स्कूल, कॉलेज, जामियात, कोचिंग सेंटर्स और तकनीकी तरबियत के इदारों की तालीमी खिदमात के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की तिब्बी खिदमात पर भी सूबाई सेल टैक्स आयद होगा। सदर टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिम मुमताज कहते हैं, तालीम और सेहत की खिदमात पर सेल्स टैक्स महंगाई के शिकार आवाम पर बोझ बढ़ाने का सबब बनेगा। कि टैक्स आप लें जिनके पास है और टैक्स उन पे लगाएं जिनके पास नहीं है। आपने अक्रॉस द बोर्ड लगा दिया कि जो आदमी जो है, जो कि एक उसकी आमदनी अच्छी है तो वो भी वही कॉस्ट दे रहा है, और एक आदमी जो सफ़र कर रहा है जिसके लिए महीना गुजारना मुश्किल होता है उस पर भी वही सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इसको फिलफोर इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरों ने भी सिंध हुकूमत को सेहत की खिदमात पर सेल टैक्स पर नजर सानी का मशवरा दे दिया। अगर आपने उन 70% जो इदारे हैं उन पर टैक्स लगाया तो आप समझो कि वो 70% टैक्स जो है वो आवाम पे ही लगेगा, क्योंकि कोई भी इदारा जो है ना अपने ऊपर इतना बड़ा बर्डन उठा नहीं सकता, वो ट्रांसफ़र करता है मरीजों को। शहरियों ने भी तालीम और सेहत की खिदमात पर सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया। मैं इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल और एजुकेशनल जो सिस्टम है ना उसको साउंड कर दे। वो अगर फ्री हो जाती है, वो साउंड हो जाती है तो प्राइवेट दादरों की जरूरत ही नहीं है। तालीम बेच क्यों रहे हैं? हर चीज पे टैक्स रखा हुआ है और बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखो कैसे होगा गुजारा। खिदमात फराम करने वाले इदारे भी ताजिरों की तरह टैक्सों का तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करेंगे, जो आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।